Hello students, this is lecture number 14 of final accounts without adjustments, trading account, P&L account and balance sheet. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज जीएसटी. ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही करेंगे बट जीएसटी की क्या ट्रीटमेंट होगी. देखिए, वी हैव वन जीएसटी इनपुट, वन इज आउटपुट. जो इनपुट जीएसटी है वी हैव सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. सिमिलरली फॉर आउटपुट वी हैव इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. जो इनपुट जीएसटी होता है वो होता है हमारा एसेट और जो आउटपुट जीएसटी होता है वो हमारी होती है लाइबिलिटी. इसको आपस में हमें सेट ऑफ करना होता है, मतलब कैंसिल करना होता है. द आउटपुट जीएसटी शुड बी कैंसल्ड विद इनपुट जीएसटी एंड देन विल शो इन द बैलेंस शीट. जो सीजीएसटी है पहले सीजीएसटी से कैंसिल होगी फिर आईजीएसटी से कैंसिल होगी. एसजीएसटी से कैंसिल नहीं होगी. आपको इनपुट को आउटपुट से कैंसिल करना होता है. सी विल कैंसिल विद सी देन आई नॉट विद एस. एस जी एस टी पहले कैंसिल होगी एस फिर आई. सी से कैंसिल नहीं हो सकती. सेंट्रल सेंट्रल से कैंसिल होगा. इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड से कैंसिल होगा, स्टेट से नहीं. स्टेट स्टेट से कैंसिल होगा, इंटीग्रेटेड से कैंसिल होगा, सेंट्रल से नहीं. और आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से कैंसिल होगी फिर सीजीएसटी से कैंसिल होगी फिर एसजीएसटी से कैंसिल होगी. ये सारा मैं आपको लिखवाऊंगा, एक बार हम सम करते हैं फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है इनपुट सीजीएसटी. चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इनपुट सीजीएसटी 6000, एसजीएसटी 6000, टोटल 12. आउटपुट सीजीएसटी 4, एसजीएसटी 4, टोटल 8. चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है. इनपुट आउटपुट से ग्रेटर है, पहले ये वर्किंग नोट ही बना लीजिए. इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट. व्हाट इज आउटपुट? लायबिलिटी. व्हाट इज इनपुट? एसेट. इनपुट मतलब आपने टैक्स एडवांस में दिया हुआ है. आउटपुट का मतलब आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है. सो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स जीएसटी एसेट की तरफ शो होगा. जीएसटी एसेट की तरफ शो होगा. सी को कैंसिल करेंगे सी से, एस को कैंसिल करेंगे एस से. इस क्वेश्चन में आई नहीं है. सो इनपुट सीजीएसटी 6, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 6, आउटपुट सीजीएसटी 4, डिफरेंस इज 2. इनपुट इज ग्रेटर. इनपुट इनपुट एसजीएसटी इज 6, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी इज 4, डिफरेंस इज 2. समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? सी को सी से कैंसिल किया, इनपुट को आउटपुट से कैंसिल किया, बचा 2000. एस को एस से कैंसिल किया, इनपुट को आउटपुट से कैंसिल किया, बचा 2000. सो दिस 2000 एंड 2000 विल बी शोन इन एसेट साइड. सो इनपुट सीजीएसटी इज यूज्ड टू राइट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी,
इनपुट एसजीएसटी इज यूज टू राइट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी. इनपुट इज ग्रेटर मीन्स एसेट, आउटपुट इज ग्रेटर मीन्स लायबिलिटी. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फ्रॉम द क्वेश्चन 22 हम कर रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रानी अहूजा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ रानी अहूजा. In the books of Rani Ahuja, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18, particulars amount. Particulars amount. Opening stock and balance sheet also. I hope आपने note down कर लिया. Giving you 1 minute speed up. Giving you 1 minute note down कीजिए इसे. Balance sheet as at 31st March 18. Liabilities amount, assets amount. Liabilities amount, assets amount. आई एम नॉट मेकिंग एज पर मार्शलिंग. मार्शलिंग से नहीं मैं बना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है. यस, अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो आप मार्शलिंग करें या ना करें आपकी मर्जी है. दिस इज चॉइस ऑफ योर्स वेदर यू डू बैलेंस शीट विद मार्शलिंग और नॉट. ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक. Purchases, debit side of trading account, two purchases, 29,025. Carriage inward, debit side of trading account, 2 purchases, debit side of trading account, commission, debit side of P&L account, goodwill, asset, non-current asset. Discount, because it is discount on the debit side, क्योंकि discount debit side है, so it is discount allowed. Debit side of P&L account. Factory heating expense, debit side of trading account. Factory rent, debit side of trading account. Office rent, debit side of P&L account.
सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, $15,000. Depreciation on the above for current year. Depreciation, plant and machinery से मत माइनस करना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वो पहले से माइनस है. जर्नल एंट्री डल चुकी है depreciation to machinery. अब डलेगी पी एंड एल टू depreciation. So टू depreciation, $1,500. Gas and water, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कैश इन हैंड एसेट, करंट एसेट इट इज फर्नीचर एसेट, $100. फायर इंश्योरेंस, अब हमें नहीं पता ये किस चीज की है. इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल है तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स है तो इधर पी एंड एल अकाउंट. टू, फायर इंश्योरेंस $1,200, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल. इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, अ काइंड ऑफ गोल्ड एफडी एसेट, $2,000. बिल्डिंग एसेट, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन. बिल्डिंग एसेट $20,000. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक्सपेंस, पी एंड एल में डेबिट साइड बैड डेट्स एक्सपेंस, दैट टू इनडायरेक्ट टू बैड डेट्स. सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, sundry debtors assets. Maintenance expense debit side of P&L, custom duty direct expense it is, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डॉक चार्जेस, अब ये डॉक चार्जेस फिनिश गुड्स से रिलेटेड है कि रॉ मटेरियल, मेंशन नहीं है. डायरेक्ट टू डॉक चार्जेस, क्योंकि हम पहले भी यही डिस्कस कर चुके हैं. 150. लूज टूल्स, assets. Life insurance premium, capital में से minus, drawings होती हैं. Life insurance premium is drawings. You can write drawings only, that would be okay. Input CGST, input SGST. जैसे आपको बताया जीएसटी लास्ट में 200-200 आएगा एसेट साइड. कैपिटल लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज सेल्स
क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट रिटर्न्स नहीं है, होती तो माइनस हो चुकी होती क्योंकि परचेज रिटर्न डेबिट साइड होती है, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न 2025 माइनस रिटर्न्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड रिसीव किया, इनकम बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, सन्ड्री रिसीट्स, छोटी मोटी इनकम्स, मिसलेनियस रिसीट्स, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल, बैंक ओवरड्राफ्ट liability, question में closing stock नहीं है, we don't have any closing stock in this question, left with GST, वो मैं treatment आपको बता चुका हूँ। output का total है 8000, input का total है 12000, difference हुआ 4000, इनपुट बढ़ा है तो एसेट, आउटपुट बढ़ा है तो लायबिलिटी, इनपुट बढ़ा है तो एसेट साइड जाएगा जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 2000, इनपुट एसजीएसटी 2000, टोटल 4000, मतलब हमने 4000 का एडवांस गवर्नमेंट को पहले से दिया हुआ है इनपुट की फॉर्म में। That's it. Let's do the closings. The total of trading account credit side is 60,550. The total of trading account credit side is 60,550. The balancing figure is gross profit 10,925. To gross profit balance 10,925. This gross profit will be transferred to P&L account. ये gross profit P&L account में transfer किया जाएगा। Now the total of P&L account is net loss, P&L account का जो बैलेंस आ रहा है वो है नेट लॉस, बिकॉज डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। Net loss is 13,250 subtracted from capital. Profit होता है तो plus होता है, loss है तो minus होगा। Now the closing capital is 22,350.
द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 56,425 and asset side is 68,900. The balance sheet is not matching. Let's see what is the problem in the trial balance or in calculation. Treatments are all right. Ek bar niche note de dijiye. I'll verify the mistake then. Niche ek note dijiye. If capital becomes negative, if अगर कैपिटल नेगेटिव आ जाती है तो उसे एसेट साइड पे शो करते हैं, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी इन कैपिटल. अगर कैपिटल नेगेटिव आती है तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी इन कैपिटल, जो कि शो की जाती है एसेट साइड. लिखिए, इफ कैपिटल बिकम्स नेगेटिव देन इट विल बी शोन, देन इट विल बी शोन on the asset side, then it will be shown on the asset side naming deficiency in capital, naming deficiency in capital, full stop. जीएसटी की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग लिखिए, राइट डाउन जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करना होता है, राइट डाउन. इफ इफ इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, इफ इनपुट जीएसटी is greater than output GST, then it will be considered as asset, then it will be considered as asset, whereas if output GST is greater than input GST, if output GST is greater than input GST, then it will be considered as liability. Then it will be considered as liability. Full stop. Next note, write down. Input IGST should be set off. Input IGST should be set off with output IGST. Input IGST should be set off with output IGST. Then output CGST, then output CGST, and lastly with output SGST, and lastly with output SGST, full stop. Next note, input CGST should be set off, input CGST, set off का मतलब होता है cancel करना, input CGST should be set off
विद आउटपुट सीजीएसटी, विद आउटपुट सीजीएसटी एंड देन विद आउटपुट आईजीएसटी एंड देन विद आउटपुट आईजीएसटी और अब लास्ट नोट लिखिए, राइट डाउन द लास्ट नोट. इनपुट एसजीएसटी शुड बी सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी शुड बी सेट ऑफ विद आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी एंड देन आउटपुट आईजीएसटी फुल स्टॉप. What does that mean? मैं एक बार ब्रीफ अप कर रहा हूं. I को I से कैंसिल करना है, फिर I को C से कैंसिल करना है, फिर I को S से कैंसिल करना है. C को C से कैंसिल करना है, C को I से कैंसिल करना है. C को S से कैंसिल नहीं करना. S को S से कैंसिल करना है, फिर S को I से कैंसिल करना है, पर S को C से कैंसिल नहीं करना. Cool? Clear? Give me some time, I'll find out the mistake. Where is the mistake? In the question or in some posting. आप जब ये question कर रहे होंगे आपने ये mistake खुद ही verify कर ली होगी. I got the mistake. The mistake is, question में अगर आप देखेंगे commission 1325 है और हमने यहाँ पे 15,000 लिखा हुआ है, just the value of goodwill. So it is basically 1325. And hence the net profit would be different to net profit balance ₹10,925 + ₹900 total is ₹11,825. The net profit is 425. The net profit is 425. That will be added in capital. 425. That will be added in capital. And our balance sheet is matching with a total of 68,900. The balance sheet is matching with a total of 68,900. I hope I'm clear with this. Good. Moving on. Ek question likhiye. Write down one theoretical question. What do you mean by contingent liabilities? What do you mean by contingent liabilities? Give some examples. And how will you show while preparing financial statements? How will you show it while preparing financial statements? जी,
क्या होती है कंटीजेंट लाइबिलिटी, विच मे और मे नॉट अराइज. वट इज कंटीजेंट लाइबिलिटी? जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो आप बैलेंस शीट से फुटनोट नीचे शो करते हैं. जब आप केस हार जाएंगे तो आपको पे करना है, केस जीत जाएंगे तो नहीं पे करना. सो क्वेश्चन में व्हाट आर कंटीजेंट लाइबिलिटी, गिव सम एग्जांपल एंड वेयर टू यू शो दिस व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट डाउन द आंसर. कंटीजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी दैट बिकम्स पेबल on happening of certain event that becomes payable on the happening of certain event full stop. In case, comma, the event does not happen. In case, comma, the event does not happen, comma, no amount is payable. No amount is payable. Full stop. Following are some examples of contingent liabilities. Number one. Disputed claims. What are disputed claims? मैंने बोला मैंने पैसे नहीं देने, कस्टमर कह रहा है आपने पैसे देने हैं, या क्रेडिटर कह रहा है पैसे देने हैं, केस चल रहा है. That is the example of contingent liability. Number 2, guarantee for loan. What does that mean? मेरे फ्रेंड ने बैंक से लोन लिया, उन्होंने मेरे से साइन लिया गारंटर पर, मैंने साइन कर दिया. क्या मुझे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे? नो. कब देने पड़ेंगे? जब मेरा फ्रेंड पैसे नहीं देगा तो बैंक वाले के पास अथॉरिटी है, वो मेरे एसेट से पैसे ले सकते हैं. जब भी आप किसी की गारंटी देते हैं तो वो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपको पेमेंट करनी नहीं है. बट अगर जिसकी गारंटी ली है वो डिफॉल्ट करे, उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. Number 3, liabilities in respect of bills discounted. What does it mean? मैंने आपको 1 lakh के गुड्स बेचे, आपने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मेरे से बिल रिसीवेबल ले लो, पैसे मैं 3 महीने बाद दे दूंगा. मैंने आपको 1 lakh के गुड्स बेचे, आपने मुझे 1 lakh का बिल दे दिया, पैसे 3 महीने बाद आएंगे. मुझे आज ही बैंक से पैसे चाहिए, मैं बैंक के पास जाऊंगा, उसे बिल दूंगा और वो मुझे 99,000 दे देंगे, 1,000 का खर्चा डाल देंगे. डन. 3 महीने बाद आप बैंक वालों को पैसे देंगे, 1 lakh, बैंक वालों को 1,000 की इनकम होगी, मेरा कुछ लेना देना नहीं है. आप 1 lakh बैंक को देंगे, अगर आपने पैसे नहीं दिए, आपका बिल डिसऑनर हो गया, जैसे चेक बाउंस हो जाता है, तो बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे, क्योंकि बैंक वाले आपको नहीं जानते, बैंक वाले मेरे को जानते हैं. वो मेरे बैंक से पैसे निकाल लेंगे, अगर नहीं है बैंक में पैसे तो वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, मैं जब भी जमा करवाऊंगा तब कट जाएंगे. और ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी हुई? कंटीजेंट लाइबिलिटी. विच लाइबिलिटी इट इज?
कंटीजेंट लाइबिलिटी, व्हाट डज दैट मीन? मैंने अभी पेमेंट नहीं करनी, अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा, 3 महीने बाद कब करूंगा? जब आप ड्रॉअर ऑफ द बिल विल नॉट मेक द फाइनल पेमेंट. क्लियर? इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां शो करते हैं? चेंज द पैराग्राफ, चेंज द लाइन. कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट शुड बी शोन एज अ फुटनोट अंडर बैलेंस शीट बट शुड बी शोन एज अ फुटनोट शुड बी शोन एज अ फुटनोट अंडर बैलेंस शीट ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आपको वो लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से नीचे शो करनी होती है. रीजन इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इसमें मैं सिर्फ जीएसटी की ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 20 में मैं सिर्फ जीएसटी की ट्रीटमेंट शो कर रहा हूं. क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 15th में. क्वेश्चन नंबर 20 यू कैन मेक अ वर्किंग नोट. इनपुट सीजीएसटी इज 5, एसजीएसटी इज 5, टोटल इज 10. आउटपुट सीजीएसटी इज 3, SGST is 3, total is 6. Input is greater than output. Input greater से ज्यादा है तो हम कहां पे शो करेंगे? Asset side. कितना शो करेंगे? कितना ज्यादा है? 4000. हम 4000 asset side शो करेंगे. Set off कैसे होगा? C से C, S से S, I हमारे पास नहीं है. इनपुट CGST, आउटपुट CGST, 5 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2. सिमिलरली इनपुट SGST, इनपुट सीजीएसटी, बच गया 2. सो वाइल मेकिंग बैलेंस शीट विल शो 4000 अंडर द हेड इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. अंडर करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स होते हैं क्योंकि अगले ही महीने हम ये एडजस्ट कर देते हैं या पे कर देते हैं. सो दीज आर लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स तो करंट एसेट्स. That's it. This is our lecture number 14. Tomorrow we'll continue with lecture 15, जिसमें पहले 20th question करेंगे और फिर हम एक GST का और question करेंगे जिसमें IGST होगा. How to set off IGST, we'll do it tomorrow in lecture 15.